मेहता का उल्टा चश्मा। चल क्या हो गया जेठिया, लगता है नहाते वक्त कान में पानी चला गया होगा। अब समझ में आया सोसाइटी का पानी गया किधर। ये अय्यर भाई क्या बोल रहे हैं आप? वो अय्यरी बोल रही है कि अभी समझ में आया कि सोसाइटी का पानी गया किधर। अरे हुआ मतलब आपका ठीक से सुनाई दे रहे हैं बापू जी, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। ओ अय्यर भाई, बापू जी का कान है कोई दुकान नहीं है कि पूरी सोसाइटी का पानी उसमें चला जाएगा। बबीता जी एक अय्यर तुम क्या बोल रहे हो? अरे बबीता मैं मजाक कर रहा था, पानी आ गया। मतलब भिड़े मास्टर आ गए। ओ सीधा ओ एविंग की तरफ सीधा। अगुबी आलेका नशीब जल्दी आ गई, आ भी गया। नमस्ते चाचा जी। नाइस यहाँ पे, नाइस आगे आगे थोड़ा आगे 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 आगे, बस 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 आपके 300 50 और ये 10। थैंक यू। अरे पिड़े मास्टर इतनी सारी सब्जी? सब्जियां नहीं आती भाई, नींबू लेकर आया हूँ। इतने सारे नींबू? हाँ अभी सीजन चल रहा है ना अचार बनाने के लिए। भीड़े भाई ये नींबू क्या भाव से मिला? भाई अभी 25 पैसे का मिला। अरे वाह, और होलसेल मार्केट था ना इसलिए 500 रुपए के 2000 नींबू लेके आया हूँ। वाह 2000 नींबू। तो भीड़े भाई ये नवी मुंबई में सब्जी बहुत सस्ती मिलती है? अरे सस्ती मतलब दया भाभी 15 रुपए किलो मटर, 10 रुपए में 1.5 किलो टमाटर और उसी भाव में बैंगन भी मिलते हैं। बोलो। अरे वाह भीड़े भाई तो सब लेकर आना था ना। हाँ कर कर। हाँ भीड़े भाई कितनी सस्ती सब्जी है, आप सारी लेके आते तो थोड़ी थोड़ी हम भी ले लेते थे ना आपसे। अरे अंजलि भाभी ये 2000 नींबू का इतना वजन हो गया कि चाहते हुए भी नहीं ला पाया मैं सब्जी। भीड़े भाई अगली बार जब आप वाशी जाएंगे ना तो हमारा भी ऑर्डर लेते हुए जाना प्लीज। मेरा भी? हाँ हाँ पक्का पक्का। हाँ भीड़े बबीता सब्जी का ऑर्डर जोड़ो और उसको पानी का ऑर्डर दो। अरे हाँ कहते आत्माराम सोसाइटी में पानी बंद हो गया है। कहते अरे भाई ते जे ते काय हाय ने ते सांगितले पौने घंटा झाले सोसायटी मध्ये पाणी गेले। पण असे कसे झाले? काहीले कहते मतलब सोसायटी में पानी कैसे नहीं है? हाँ हाँ भिड़े भाई तारक को भी बगैर नहाए ऑफिस जाना पड़ा। भिड़े मास्टर तुमने म्युनिसिपैलिटी के पानी का बिल टाइम पे तो भर दिया था ना? आती भाई मैं हमेशा म्युनिसिपैलिटी के पानी का बिल, इलेक्ट्रिक बिल, प्रॉपर्टी टैक्स ड्यू डेट से पहले ही भर देता हूँ। फिर सोसाइटी का पानी कट कैसे हो गया? पर भिड़े भाई किसी भी घर में पानी नहीं आ रहा। अरे जवाब दे भिड़े। पता है कौन? हाँ भाई सोसाइटी के कमिटी मेंबर होने के नाते मेरा यह हक बनता है और मैं पूछूंगा कि सोसाइटी का पानी अचानक कैसे कट हो गया। सोसाइटी का पानी कट नहीं हुआ है। क्या हुआ है कि म्युनिसिपैलिटी के पानी का टाइम अभी चेंज हो गया है। मैंने अब्दुल को बोला था कि ठीक सुबह 6:30 बजे टेरेस पे जाके म्युनिसिपैलिटी का नल चालू कर देना, वो नल चालू करना शायद भूल गया होगा म्हणून ना गोंधळ झालेला आहे। हे राम वही तो इनका हर काम टाइम टू टाइम होता है। वो देखिए अब्दुल आ ही रहा है उसी से पूछ लेते हैं। क्या बात है भाई? अब्दुल तुमने सुबह जाके टेरेस पे पानी का नल चालू किया था ना? नहीं। अरे अब्दुल मैंने कल शाम को तुमको बोला था ना कि आज सुबह 6:30 बजे जाके म्युनिसिपैलिटी का नल चालू कर दे, बोला था कि नहीं? हाँ बोला था। तो चालू क्यों नहीं किया? क्योंकि बाद में मैंने आपको रात को फोन करके बता दिया था कि मुझे आने में लेट हो जाएगा इसलिए नल आप ही चालू कर देना। हाँ अरे देवा वो वाशी जाने के चक्कर में ये बात मेरे दिमाग से निकल ही गई और यहाँ पानी बंद हो गया। सॉरी यार गलती हो गई, माफ करो सॉरी गलती हो गई। अरे क्या माफ कर दो,
तेरी एक गलती की वजह से पूरी सोसाइटी को कितनी तकलीफ हुई है मालूम है? बेचारे मेहता साहब बिना नए ऑफिस चले गए और मैं ये आधी दाढ़ी करके अटक गया हूँ, और हमारे हाथी भाई बेचारे बाथरूम तक जाकर बिना नहाए वापस आए। पवनलाल मेरे को बोल दे। सॉरी सॉरी आत्माराम, इन सबको तकलीफ बाद में हुआ है, सबसे पहले मेरे को तकलीफ हुआ है, तुझे जाए डाला से। हाँ भाई बेड़े अय्यर भाई सच बोल रहे, तकलीफ का फर्स्ट प्राइज अय्यर भाई को ही मिलना चाहिए। जेठालाल तुम्हारे घर में सबका नाना हो गया तो क्या तुमको मजाक सूझता है? सॉरी सॉरी भाई सॉरी। अरे भाई भिड़े अभी तू आ गया है तो अभी तो अब्दुल को चाबी देकर नल चालू करवा दे भाई, तो स्विमिंग वाला बेचारे नहा तो ले। करवा दिया भाई भिड़े, तू सबसे पहले ये बता कि टेरेस की चाबी अपने साथ लेके क्यों जाता है? हाँ साथ में टेरेस भी लेकर जाना चाहिए था ना, तो कम से कम फोन करके बोल तो सकते थे कि भाई भिड़े तू जहाँ भी है वहाँ टेरेस वगैरह चढ़कर नल तो चालू कर दे। टप्पू के पापा भिड़े भाई फोन भी कहाँ लेकर गए थे? अरे भाई भिड़े तू खड़ा क्या है, जवाब दे, टेरेस की चाबी अपने साथ लेके क्यों गया था? अरे लेकर नहीं गया था पोपटलाल, मेरे पास चाबी का गुच्छा होता है, उसमें सभी चाबियां होती है, लेकिन सेफर साइड के लिए मैंने चाबी का दूसरा सेट सोसाइटी ऑफिस में रखा हुआ है। सोसाइटी के आबिद का चाबी किसके पास है? मेरे पास। तो आत्माराम दूसरी चाबी के सेट का क्या फायदा? ये तो वही बात हो गई ना भिड़े मास्टर, कि तुमने खाना बनाया, हम सबको दावत पे बुलाया और खाना फ्रिज में रख के फ्रिज लॉक करके चले गए। ओ आती भाई को खाने का बहुत चिंता। क्या मतलब है भाई भिड़े, बहुत गलत बात है तुम्हारी, मैं तो कहता हूं अभी क्या भी नहीं है। नहीं नहीं बिल्कुल सही बात नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। तुम लोग शांत हो जाओ। अरे भिंडी मास्टर भी इंसान ही है और गलती इंसान से ही होती है ना। अब्दुल तू ये भिंडी मास्टर से चाबी ले और जल्दी से टेरेस पे जाके नल चालू कर दे। ठीक है। ये अब्दुल पहले ये चाबी ले, ऊपर जा और पानी चालू कर, चल जा। भिड़े भाई मैं ऊपर जा ही रहा हूँ तो आपके घर पे नींबू छोड़ देता हूँ। वाह अब्दुल कितना सेवा भावी है। नहीं 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 पहले तू पानी चालू करके आ। नहीं नहीं मैं नींबू छोड़ देता हूँ ना। नहीं पहले तू पानी चालू करके आ। नहीं नहीं नींबू छोड़ देता हूँ ना। नहीं पहले पानी चालू कर। नहीं नींबू छोड़ देता। अरे पहले पानी, नींबू पहले पानी, नींबू पानी, नींबू पानी, नींबू नींबू पानी, नींबू पहले पानी, पहले नींबू। अरे अरे कल्याण सत्यानाश, नवी मुंबई जाने की मेहनत गई पानी में। अरे बाप रे सब तितर बितर हो गए नींबू भिड़े के। मैं पानी चालू करके आता हूँ। पहले भी नींबू उठा। नहीं नहीं पानी चालू करके आता हूँ। पहले नींबू उठा। पानी, नींबू पानी, नींबू पानी। अरे चुप हो जाओ, क्या कब से दोनों ने जुगलबंदी चला रखी है? पहले नींबू पानी, नींबू पानी, नींबू पानी, अभी पानी नींबू, पानी नींबू, पानी नींबू। तू पहले ऊपर जाके पानी का नल चालू कर। हाँ जी जाओ जाओ जाओ। सत्यानाश। अरे चल चल उसको मदद कर। दरवाजा खुला है, ताला किधर है? आओ ये क्या थैली? अरे इतने थैली का कैसे आएंगे इतने सारे नींबू? अब भरा तो और। अरे भिड़े मास्टर ये बैग ले लो, इसमें सारे नींबू भी आ जाएंगे और ये फटेगा भी नहीं।
जयटालाल क्या कर रहे तुम? अरे आप इतना जगह लींबू है इधर ही आप जमा करने के लिए आ गए, जहाँ मैं कर रहा हूँ। बबीता जी आइए। क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं। हाँ भाई, गोल 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 गोल। थैंक यू थैंक यू, बस थैंक यू थैंक यू। हो गया हो गया हो गया, बराबर। हाँ हो जाएगा हो जाएगा। कमाल, दरवाजा अंदर से बंद है। भाभी, हाथी भाई, सूटकेस के लिए थैंक यू वेरी मच। अरे बड़े मास्टर, ऐसे थैंक यू मत बोलो भाई। ओ, एक मिनट। अरे बड़े मास्टर, अरे हो दूसरा पड़ा आपने देखा, ये भी लीजिए। बड़े मास्टर, तुमने तो हमारी दोस्ती पे नींबू फेर दिया। हाँ बड़े भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हा? ये लो। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, एंड वंस अगेन सॉरी। दरअसल जितनी मेहनत मैंने वाशी के होलसेल मार्केट में नींबू खरीदते वक्त नहीं की ना, उससे डबल मेहनत आप लोगों को यहाँ पे करनी पड़ी। सॉरी हाँ सॉरी। कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया। सबको आधा आधा किलो नींबू का अचार दे देना। मंजे का जेठा भाई नक्की। अरे नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा था। मत भी भाभी। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही हूँ जेठा भाई, हो कि नहीं हो? नींबू के लिए थैंक यू और पानी के लिए सॉरी। कोई ताला तोड़कर अंदर तो नहीं घुस गए? दरवाजा खोलो, कोई अंदर है? कोई है अंदर? अरे भाई दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। अरे भाई दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। नहीं नहीं खोलूंगी दरवाजा, चले जाओ यहाँ से। बड़े भाई को बोलना पड़ेगा। बड़े भाई, अरे बड़े भाई, बहुत टाइम हो गया ये। अब्दुल ने अभी तक पानी चालू किया या नहीं? हाँ। यार भाई, इधर सोसाइटी कंपाउंड में कोई सवार बवर तो है नहीं, तो यहाँ खड़े खड़े कैसे मालूम पड़ेगा? घर जाकर नल चालू करेंगे तो मालूम पड़ेगा, नहीं बबीता जी? सही बात है। कोमल, तुम जरा नल चालू करके देखो पानी आया कि नहीं। यस। भिड़े भाई। अरे हो हो, आहिस्ता आहिस्ता। अरे क्या हुआ अब्दुल, इतना घबराया वक्त में? हाँ काय झालं काय, अभी तो इतना हाफ रहा, पहले पानी पिया। अब्दुल बोलो ना जल्दी। अब्दुल भाई बताओ, क्या हुआ तुम्हें? खड़े क्या? एक मिनट, अरे बोलने तो दो उसको, सब एक साथ में क्या हुआ क्या? हाँ बोल भाई बोल। भिड़े भाई,
टेरेस, टेरेस का दरवाजा लॉक है। तुम्हें चाबी तो दी थी ना मैंने उसके लिए। हाँ लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक है। अंदर से कैसे हो सकता है? किसी लड़की ने टेरेस का दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया है। लड़की? क्या? कौन सी लड़की है भाई? कैसे लड़की? लड़की कहाँ से आ गई? लड़की अंदर कैसे चली गई? लेकिन तुमने दरवाजा खटखटाया था। बेटे भाई मैंने दरवाजा खटखटाया, मैंने चिल्ला कर भी बोला कि दरवाजे खोलो। लेकिन लेकिन उसने दरवाजे खोलने से इनकार कर दिया और कहने लगी तुम जाओ, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। ये क्या भी नया प्रॉब्लम? अरे भाई ये तो कमाल हो गया, कोई अनजान लड़की हमारे बिल्डिंग के टेरेस तक पहुंच गई, ताला तोड़ दिया और हम में से किसी को पता ही नहीं चला। ये सब भीड़े तो टेरेस इधर छोड़कर नवी मुंबई गया ना, उसमें प्रॉब्लम हो गया। तो नवी मुंबई गया ही क्यों भाई? कसम खाओ आज से जीवन में कभी वाशी नहीं जाओगे। अबो अरे कहीं उस लड़की ने तो हमारी सोसाइटी का पानी बंद नहीं कर दिया होगा ना? यार भाई एकदम बराबर बोल रहे, मुझे लगता है दुबई के रण प्रदेश से पानी चोर लड़कियों की गैंग आई है जो यहाँ से पानी चुरा चुरा के फिर वो दुबई एक्सपोर्ट करेगी। क्या बोल रहे यार भाई, वो लड़की क्यों सोसाइटी का पानी बंद करेगी? उसको तुम्हारे नाने नहीं नाने से क्या फर्क पड़ेगा? जेठालाल अब ये तुम्हारा मजाक करना बंद करो। चाचा जी यहाँ खड़े खड़े बातें करना बंद करो, चलो ऊपर चल के देखते हैं वो लड़की है कौन। हाँ चलो चलो दोस्तों, गोकुलधाम सोसाइटी में पानी की समस्या हल भी नहीं हुई थी कि एक नई सुनामी आ गई है भाई, हड़कंप मच गया है। गोकुलधाम सोसाइटी के टेरेस में एक लड़की का होना, टेरेस का दरवाजा बंद होना, ये खबर सुन के ये जान के सोसाइटी वालों के होश उड़ गए। आखिर कौन है ये लड़की और टेरेस के ऊपर कैसे पहुंची? दरवाजा बंद कर दिया और पहुंची तो पहुंची, अब दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? बहुत सारे राज है और मैं जानता हूं इन सारे सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते गोकुलधाम वाले आपको इतना हंसाएंगे कि आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे, क्योंकि गोकुलधाम वाले किसी भी सवाल का जवाब आसानी से नहीं ढूंढते, बिल्कुल पानी की तरह है, जहां रास्ता मिलता है बह जाते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप यात्रा कीजिए इस टेरेस की और सोचिए तब तक आखिर ये लड़की कौन है, कहां से आई है, क्या चाहती है और क्या करने वाली है। राज बहुत सारे हैं, हंसी भी बहुत सारी है। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।